गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम आपकी क्लास नाइन्थ का आज आपकी जो इंग्लिश की बुक है बिहाइव उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द फन दे हैड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ये चैप्टर लिखा गया है इसेक एस एस एम के द्वारा ये बहुत ही आ, फ़न चैप्टर है इसके बाद हम जो इसके बाद एक पोएम दे रखी है जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे द रोड नॉट टेकन तो अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम है द फन दे हैड तो कौन फ़न uh, मतलब होता है मज़ा तो कौन मज़ा करता है अब देखते हैं सबसे पहले आपको बिफोर यू रीड उससे पहले आपको तीन पॉइंट्स दे रखे हैं सबसे पहला दे रखा है द स्टोरी We shall read is said in a future when books in school, as we now know them, will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. आपको ये जो story दे रखी है, ये future के बारे में दे रखी है, ठीक है? One thirty-six years के पहले मतलब बाद की बात दे रखी है, future की बात दे रखी है, जब books और schools होंगे ही नहीं। ठीक है फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी कि बुक्स और स्कूल्स होंगे ही नहीं सबके घरों में रोबोट्स होंगे और बच्चे बस उसी से ही पढ़ेंगे ठीक है तो आपको क्या लगता है कैसे बच्चे तब पढ़ेंगे तब ये डायग्राम सबको बता रहे हैं कि शायद विजुअल क्लासेस हो सकती हैं कि टीचर्स हों और वो टीचर्स कंप्यूटर्स में जूम मीटिंग और इन सब की चीज़ों के द्वारा आएँ और पढ़ाएँ तो विजुअल क्लासेस हो सकती है क्लासरूम हो सकता है लर्निंग टू तो कंप्यूटर्स बच्चे कंप्यूटर्स के थ्रू जैसे अभी आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं वैसे कंप्यूटर में वैसे वीडियो देख के पढ़ सकते हैं साथ में रोबोटिक टीचर हो सकते हैं हो सकता है फ्यूचर में सब लोगों के घर में कंप्यूटर रोबोट्स आ जाए और वो गुड जिन्हें मैकेनिकल टीचर भी हम बोल सकते हैं शायद वो उन सब बच्चों को पढ़ाए, और हो सकता है मूविंग ई टैक्स से भी पढ़ें ई e टैक्स क्या होता है कि टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक uh, टैक्स मतलब कुछ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनकी स्क्रीन पर दिख रहा है मूव कर रहा है उस तरीके से भी वो पढ़ें थर्ड पॉइंट दे रखा है हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन क्या आपने कभी भी कुछ वर्ड्स टेलीविजन uh, पर टीवी पर कंप्यूटर पर कभी देखे हैं क्या कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर क्या आप ऐसा टाइम इमेजिन कर सकते हैं सोच सकते हैं कि कोई बुक्स ही ना हो ठीक है पेपर पर कोई बुक्स ही ना हो सब बुक्स कंप्यूटर्स में मोबाइल्स में ही हो ये जो आपकी स्टोरी uh, है uh, इसका फर्स्ट कैरेक्टर का नेम है मैगी मागी ठीक है मागी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन अ डायरी मागी जो है अपनी डायरी में लिखती है ऑन द पेज हेडेड सेवनटीन मे ट्वेंटी वन फिफ्टी सेवन मतलब आ, मतलब कितने सेंचुरी के बाद वाली बात है ये ठीक है फ्यूचर की बात है ठीक है वन थर्टी सिक्स ईयर्स वन थर्टी सिक्स ईयर के बाद की बात है ये जो स्टोरी आपको दे रखी है उसके बाद की बात है तब वो अपनी आ, डायरी में लिखती है शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक वो क्या लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली ठीक है क्या वो लिखती है कि टॉमी को आज एक रियल बुक मिली तो अब कौन सा समय स्टार्ट हो हो गया है सपोज करिए कि जब बुक्स वुक्स कुछ है ही नहीं सब कंप्यूटर्स में हो रहा है ठीक है सब मोबाइल फ़ोन्स है टैबलेट्स है रोबोट्स हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं कोई फ़िजिकल टीचर नहीं है कोई भी स्कूल वगैरह कुछ नहीं है वो वाला टाइम अब स्टार्ट हो गया है तो अब उन बच्चों को क्या मिलती है आ, बुक मिलती है ठीक है और वो बुक को देखकर बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं क्योंकि उन, उन्होंने अपनी की लाइफ में बुक ही नहीं देखी उन्होंने हर वक्त कंप्यूटर में जो बुक्स होती हैं उससे पढ़ाई करी हैं तो उन्हें जब रियल बुक मिलती है तो उसके लिए बहुत मैं ये जो माघी होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेट करने वाली बात होती है बहुत ज़्यादा चौक जाती है उससे देख कर इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक तो बुक के बारे में क्या लिखती है इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक वो बहुत पुरानी बुक थी मागी इज ग्रैंड फादर वन सेट दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम मागी क्या बोलती है कि उस जब वो छोटी थी तब उसके ग्रैंड फादर ने ठीक है ये मागी है फिर मागी के ग्रैंड फादर ने उसके दादाजी ने और उनके दादाजी ने ठीक है ये इतनी पुरानी बात हो रही है उन्होंने बताया था कि उनके ज़माने में क्या होता था प्रिंटेड uh, बुक्स हुआ करती थी पेपर्स पे बुक हुआ करती थी तो सोचो कितनी पुरानी बात हो गई है ठीक है uh, बहुत सेंचुरी की सेंचुरी की बात वाली बात हो गई है दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रैंकली तो जो बुक्स हो उन्हें मिलती है उसके वो पेज वो टर्न करते हैं तो वो बुक बहुत ज़्यादा पुरानी थी तो वो बहुत येलो कलर की थी ठीक है बहुत सारे पेजेस हमने भी देखा और बुक्स जब पुरानी हो जाती है तो उसके पेजेस येलो हो जाते हैं तो येलो थे क्रैंकली थे क्रैंकली का मतलब क्या होता है विथ मैनी फोल्ड्स और लाइन्स ठीक है वो बुक बहुत क्रैंकली हो गई थी उसमें बहुत सारे फोल्ड्स थे बहुत सारी लाइंस बनी हुई थी बहुत सारे उसके पेज थोड़े मुड़े मुड़े थे एंड इट वाज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे वर सपोज टू और वो बहुत ज़्यादा फनी लगता है किसको मागी जो है उसको बहुत ज़्यादा फ़नी लगता है कि कैसे बुक बुक जो उसे मिली है उसमें सारे वर्ड्स वैसे के वैसे ही हैं ठीक है स्टिल है क्योंकि वो कैसे बुक से पढ़ती है वो कंप्यूटर्स की बुक से पढ़ती है जिसमें मूव जो टैक्स होता है मूव करता रहता है और दूसरा पेज पलट जाता है और दूसरी टैक्स आ जाता है ठीक है मूव करता रहता है तो जब वो वो फिजिकल बुक देखती है जिसमें जो जो भी वर्ड्स लिखे हुए वैसे के वैसे ही लिखे हुए हैं ठीक है फिर वो पेज पलटती है फिर वापस पीछे पेज पलटती है तब भी सेम होते हैं वर्ड्स तो ये उससे बहुत ज़्यादा फनी लगता है ऑन द स्क्रीन यू नो एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैज़ द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैज हैड वैन दे रीड इट इन द फर्स्ट टाइम फिर जो टॉमी होता है वो क्या बोलता है की वॉट अ वेस्ट वो क्या बोलता है अरे कितना वेस्ट हो जाता है ठीक है वो बुक के बारे में वो क्या बोलता है कितना वेस्ट है ये वेन यू थ्रो विथ द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे कि जब आप जब बुक को पे को थ्रो हो जाओ मतलब आप एक बार बुक पढ़ लो तो क्या आप क कर, क्या कर सकते हो फिर आप तो उसको फेंक दोगे ठीक है वो भी कंप्यूटर वाले एज में ही uh, जब टैली बुक्स हुआ करती थी जब इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हुआ करती थी ई बुक्स होती हो होती है तब वो जन्मा है तो उसे तो पता ही नहीं फिजिकल बुक्स वो फिजिकल बुक्स के बारे में क्या बोलता है जो बुक्स पेपर्स पे होते हैं उसके बारे में क्या बोलता है कितनी वेस्ट है कुछ काम की नहीं है ये वेस्ट है जब आप एक बार बुक पढ़ लो फिर तो आपको फेक नहीं है बुक आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लैंटी मोर वो क्या बोलता है हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है ठीक है टेलीविजन स्क्रीन जिसमें बुक्स पढ़ता है वो कितनी अच्छी हैं उसमें हम मिलियंस ऑफ बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं प्लेंटी ऑफ बुक्स प्लेंटी मोर प्लेंटी मतलब और भी ज़्यादा हम कर सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं और ऐसा नहीं है कि वो टैबलेट मोबाइल में आपने जो डाउनलोड करा है फिर आप उसको फेंक दोगे पढ़ के नहीं तो वही ये चीज़ बोलता है कि ये फिजिकल बुक्स कितनी बेकार हैं इनको तो बस एक बार पढ़ लो फिर फेंक देना पड़ता है लेकिन ये जो टैबलेट्स कंप्यूटर्स में जो ई बुक्स होती हैं ये कितनी अच्छी हैं ये हम कितनी भी डाउनलोड कर सकते हैं तो फिर उसकी जो मागी जो है मागी भी क्या बोलती है सेम विध माइन कि मेरे साथ भी सेम है शी अब मागी क्या है शी वॉज इलेवन मागी की एज कितनी है इलेवन ईयर्स ओल्ड है वो एंड हैवन सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड और उसने उतनी, उतनी बुक नहीं पढ़ी है जितनी टॉमी ने पढ़ी है क्योंकि टॉमी की एज क्या है ही वॉज थर्टीन टॉमी की एज थर्टीन है और uh, मागी की एज इलेवन है ठीक है दो ईयर्स का फ़र्क है तो ऑफ़कोर्स उसने ज़्यादा उससे बुक्स पढ़ी हैं पढ़ी है शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट तो फिर अब वो टॉमी से पूछती है टॉमी को बुक मिली थी ना तो वो टॉमी से पूछती है कि वेयर डिड यू फाइंड इट तुम्हें ये कहाँ से मिली तो वो टॉमी क्या जवाब देता है इन माई हाउस ये मुझे मेरे घर से मिली ही पॉइंटेड विद आउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज़ बिजी रीडिंग वो क्या बोलता है जब वो पढ़ रहा था तभी वो जवाब देता है तो वो उसे पॉइंट करता है ठीक है वो उसकी तरफ देखता नहीं है माघी की तरफ देखता नहीं है सिर्फ उसके हाथों से इशारा कर देता है कि मुझे वहाँ से मिली इन माई एक्टिक अब एक्टिक का मतलब क्या होता है एक्टिक जो है एक ऐसी स्पेस होती है जस्ट बिलो द रूफ़ यूज एज अ स्टोर रूम मतलब जो रूफ़ होती है जो छत होती है उससे बिलो एक ऐसा स्पेस होती है जिसको स्टोर रूम की तरह यूज़ किया जाता है तो एक्टिक पे तो वो क्या बोलता है कि ये मुझे अपने ये घर से मिली है और एक्टिक से मिली है मतलब स्टोर रूम से मिली है तो फिर अब वो माँगी क्या पूछती है बुक के बारे में कि ये किस बारे में है बुक तो फिर वो क्या आंसर करता है टॉमी क्या आंसर करता है स्कूल के बारे में है तो फिर जब वो बताता है कि स्कूल के बारे में है मैगी वो स्क्रोनफुल क्या हो जाती है स्क्रोनफुल स्क्रोनफुल का मतलब होता है कि ये तो यूजलेस है तो बेकार है ठीक है अब uh, क्या बोलती है कितना बेकार है स्कूल के बारे में कौन लिखता है स्कूल वॉट देर इज़ टू राइट अबाउट स्कूल आई हेट स्कूल वो क्या बोलती है स्कूल के बारे में क्या लिखना है इतना बेकार होता है स्कूल उसको स्कूल पसंद नहीं है मागी ऑलवेज़ हेटेड स्कूल मागी को हमेशा से पसंद नहीं है स्कूल शी हेटेड इट मतलब उसे इतना नफरत है उसको स्कूल से बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर लेकिन अभी उसे और ज़्यादा नफरत हो गई है द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टैक्स आफ्टर टैक्स इन जोग्राफी एंड शी हैज़ बींग डूइंग वर्स्ट एंड वर्स्ट एंट्रिल अर मदर हैड शेकन अर हैड सोरोफिली एंड सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर अब ये जो टाइम चल रहा है वो क्या बहुत बाद का समय चल रहा है ठीक है तब क्या होगा कंप्यूटर्स वाली स्टडी चलती है ठीक है मैकेनिकल टीचर है यहाँ कोई भी फिजिकल टीचर्स नहीं है मैकेनिकल रोबोट्स होते हैं ठीक है और रोबोट्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग अ टे टेस्ट मैकेनिकल टीचर जो है जो रोबोट है जो उसे पढ़ाते हैं वो उसे टेस्ट टू तो टेस्ट देते जा रहे हैं देते जा रहे हैं जोग्राफी में उसको बहुत सारे टेस्ट देते जा रहे हैं और उसका जो ग्रेड्स है वो गिरती जा रही है गिरती जा रही है उसको बहुत गंदे मार्क्स आ रहे हैं हर टेस्ट वो देता है हर टेस्ट में उसके मार्क्स क्या हो जाते हैं बहुत कम हो जाते हैं अनटिल हर मदर हैट शेकन हर हैड सोरोफली और उसकी मदर जो है शेकन हर हैड सोफली का मतलब है कि उसकी मम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है दुखी हो जाती है किसकी इसकी माँगी की मम्मी ठीक है उन्हें ऐसा लगता है कि क्यों उनकी बेटी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और ये ऐसी एज है जो कंप्यूटर वाली एज है तो ऐसे तो टीचर तो तो से जाके वो पूछ सकें तो सेंड फॉर अ कंट्री इंस्पेक्टर तो वो कंट्री इंस्पेक्टर से कॉन्टी इंस्पेक्टर से बातचीत करती है कि उसको सुधारने के लिए ठीक है उनको बुलाती है अब ये काउंटी मतलब क्या होता है काउंट्री मतलब होता है रीजन एक जगह वो भी टेरिटरी उनके इंस्पेक्टर को वो कॉल करती है उन्हें बुलाती है कि आप इसे सुधार दीजिए तो फिर ये जो आ, आ, इंस्पेक्टर है वो आते हैं उसके जो जो उसका आ, आ, उसकी जो टीचर है मैकेनिकल टीचर जो उसे पढ़ाती हैं उसको देखने तो जो इंस्पेक्टर आते हैं उनके बारे में दे रखा है ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन वो कैसे मैन है राउंड लिटिल मैन है मतलब थोड़े चबी टाइप के हैं थोड़े से मोटे हैं चबी टाइप के हैं विद अ रेड फेस उनका फेस कैसा है रेड है रेड फेस नहीं होता है मतलब वो किसी किसी का फेस थोड़ा सा रेड दिखता है एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स और उनके साथ में वो क्या लेके आए हैं पूरे टूल बॉक्स लेके आए हैं क्योंकि वो सुधारने के लिए आए हैं मैकेनिकल टीचर को ठीक है जो रोबोटिक टीचर है मैकेनिकल टीचर उसको क्या करने आए हैं सुधारने के लिए आए हैं तो वो टूल्स का एक बॉक्स लेकर आए हैं विथ डायल्स एंड वायर्स जिसमें बहुत सारे वायर्स वगैरह हैं ही स्माइल डेट मागी एंड गेव हर एन एप्पल वो क्या करते हैं माघी की तरफ स्माइल करते हैं और माघी को क्या देते हैं एक एप्पल दे देते हैं ठीक है जो इंस्पेक्टर जो मैकेनिकल टीचर को सुधारने आते हैं वो माघी की तरफ स्माइल करके उन्हें उसे एक एप्पल दे देते हैं देन टुक द दे टीचर अपार्ट आ, और जो उसकी टीचर है उसको देखते हैं कि क्या उसमें आ, आ, प्रॉब्लम्स आई हैं मागी हैड होप्ड ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन मागी अंदर ही अंदर ऐसे होप कर रही थी कि काश इनको सुधारा आई ना ठीक है काश ये सुधार ही ना पाए क्योंकि जैसे अभी फिजिकल स्कूल में हम क्या करते हैं हमें अगर स्कूल नहीं जाना तो हम सोचते हैं कि अरे इतनी बारिश हो इतनी बारिश हो कि स्कूल ही की छुट्टी हो जाए है ना कुछ ऐसा हो जाए कि स्कूल की छुट्टी हो जाए जब जा हमारा मन नहीं होता स्कूल जाने का तो सेम टू तो सेम अब की तो क्या घर में ही पढ़ रही है ठीक है इसका एक कंप्यूटर है मैकेनिकल टीचर है जो उसे रोज़ की रोज़ पढ़ाते हैं तो अब वो क्या हो करती है कि काश सुधर सुधरे ना बट ही बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आर और सो देर there it was again फिर लेकिन वो क्या होता है वो जो मशीन होती है जो मैकेनिकल टीचर होती है वो ठीक हो जाती है वो जो इंस्पेक्टर आते हैं उसे ठीक कर देते हैं uh, और जो ब्लैक एंड अगली लार्ज और जो इतनी ब्लैक कलर की लार्ज अगली दिखने वाली जो मैकेनिकल टीचर होती है किसकी आंखों में uh, अगली होती है वो uh, मागी की आंखों में उसे पसंद नहीं हुआ है ना स्कूल इसलिए विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चन वर लास्ट तो जो ठीक हो जाती है मैकेनिकल टीचर ठीक हो जाती है उसमें एक बिग बिग स्क्रीन होती है और उसमें सारे लेसन्स दे, दे, दे दिए होते हैं सारे क्वेश्चन उससे पूछे होते हैं दैट वॉजन सो बैड द पार्ट मे मैग मैगी को जो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी वो क्या थी मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैज़ टू पुट होमवर्क ठीक है एंड टेस्ट पेपर्स मैगी जो जो मैकेनिकल मशीन जो थी उसमें क्या होता था स्क्रीन होती थी स्क्रीन में उनको जो भी उन्हें पढ़ाया जाता था उनके लेसन्स होते थे और और क्या होता था कि क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चंस डाले जाते थे जो बच्चों से पूछने रहते थे ठीक है तो सबसे बेकार चीज मांगी को क्या लगती थी मोस्ट वॉज द स्लॉट स्लॉट का मतलब होता है अ गिवन स्पेस टाइम और और पोजीशन यहां पर स्लॉट का मतलब है कि कोई भी मशीन का एक पार्ट Uh, या फिर एक गिवन स्पेस जहाँ पर उसे क्या डालनी पड़ती थी उसको जो भी होमवर्क दिया होता है उसको होमवर्क उसको डालना पड़ता था ठीक है जो भी टेस्ट पेपर जो भी होमवर्क उसे दिया हुआ होता है वो टेक्स uh, वो उसे उस वहाँ पर डालती थी शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न शी वॉज सिक्स ईयर ओल्ड अब वो जो मैकेनिकल uh, टीचर में जब वो होमवर्क डालती थी ठीक है होमवर्क जब उसमें इंसर्ट uh, करती थी तब उसे कैसे इंसर्ट करना पड़ता था पंच कोड में ठीक है एक पंच कोड एक अलग कोड आता था क्योंकि अब वो कंप्यूटर है कंप्यूटर तो कंप्यूटर की लैंग्वेज ही सीखेगा हिंदी इंग्लिश थोड़ी ना आएगी उसको कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है तो उसको पंच कोड में जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती थी उसमें उसको उसका होमवर्क डालना पड़ता था और पंच कोड जो लैंग्वेज उसको कब सिखा दी गई थी सिक्स ईयर्स ओल्ड जब वो थी छः साल की थी तब से ही वो उसको लैंग्वेज सिखा दी गई थी ताकि वो अपने होमवर्क डाल सके एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम और सबसे बेकार चीज़ उसे ये भी लगती थी कि जैसे ही वो होमवर्क डालती थी तो ये तो मशीन है मैकेनिकल टीचर तो एक मशीन है तो वो उसी वक्त उसे मार्क्स भी बता दिया करती थी ठीक है कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम टाइम भी नहीं लगता था और वो मार्क्स बता देती थी जैसे हमारे कैलकुलेटर होता है कुछ टाइम भी नहीं लगता उसको तो कैलकुलेशन करने में वैसे ही मैकेनिकल टीचर को भी कैलकुलेट करने में टाइम नहीं लगता वो दो मिनट में ही मार्क्स उसे बता दिया करती थी द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड अब वापस से स्टोरी में आ जाते हैं इंस्पेक्टर वो सुधार रहे हैं उसको तो इंस्पेक्टर उसको सुधार देते हैं फिनिश उनका काम फिनिश हो जाता है वो स्माइल करते हैं एंड पेटेड आ, मागी हैड वो क्या करते हैं मागी के हेड को पेट पैटेड पेटेड करना मतलब सरहाना ठीक है उसके हेड को ऐसे सराहाते हैं ही सेट टू हर मदर और वो उसकी मदर को बोलते हैं इट्स नॉट अ लिटिल गर्ल्स फॉल्ट और उसकी मदर को बताते हैं कि ये बच्ची ने कुछ नहीं किया है ये जो मैकेनिकल टीचर खराब हुई है बच्ची ने कुछ नहीं किया बच्चे का फोट फॉल्ट नहीं है मिसिज जोन्स ठीक है अब ये मिसिज जोस कौन है अब सबसे पहले हमने देखा चार कैरेक्टर्स हमने अभी तक देख लिए है, हैं सबसे है मागी मागी और टॉमी टॉमी के बाद है जो ये इंस्पेक्टर सही करने आते हैं वो और फिर उसकी मदर ठीक है जिनका नाम क्या है मागी की जो मदर है उनका नाम है मिसेस जोस तो मिसेस जोस को वो बोल देते हैं कि ये मागी की गलती नहीं है आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक वो क्या बोलते हैं कि जो जोग्राफी सेक्टर है अभी क्या हो रहा था uh, मागी को जोग्रफी में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे टेस्ट टू तो टेस्ट उसे मिलते जा रहे थे उसके मार्क्स गिरते जा रहे थे क्यों गिरते जा रहे थे क्योंकि जोग्राफी सेक्टर जोग्राफी जो पोर्शन था वो गियर्ड अ लिटिल टू क्विक मतलब आ, मागी जो थी उसके लेवल का ज़्यादा लेवल का उसको पढ़ा दे दे रहा था वो टेस्ट ठीक है जो मैकेनिकल टीचर है उसका लेवल अपने आप ही कुछ हो गया होगा तो जो, मागी जिस क्लास में थी उस क्लास में उसको नहीं पढ़ाया जा रहा था उसकी दूसरा और हायर लेवल का उससे पढ़ा टेस्ट दे रहा था मैकेनिकल टीचर ठीक है टीचर था उसको और ज़्यादा वाला पढ़ा रहा था Uh, those थिंग हैपन sometimes. So, वो क्या बोलते हैं कभी कभी मशीन्स हैं मशीन्स में कभी कभी ऐसे सेटिंग्स में ऐसा हो जाता है आई slowed ड स्लो डट अप टू अन एवरेज टेन ईयर लेवल तो क्या बोलते हैं अब टेन ईयर के बच्चे के लेवल का मैंने उसको वापस से सेटअप कर दिया है जो गियर्ड अप हो गया था जो बढ़ गया था लेवल उसको मैंने वापस से टेन uh, ईयर uh, के लेवल का कर दिया है एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री और वो उसके मतलब को क्या बोलते हैं कि जो ओवरऑल पैटर्न है ठीक है कि आपकी जो बेटी है मागी अच्छा कर रही है उसके एज के हिसाब से ना वो ज़्यादा अच्छा करी ना ज़्यादा बुरा कर रही मतलब सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है एंड ही पेटेड मागी हैड अगेन और फिर वो क्या करते हैं मागी के हेड को एक बार और पे पेटेड करते हैं मतलब एक बार और सराहाते हैं मैगी वॉज डिसअपॉइंटेड मैगी को बहुत गुस्सा आ जाता है क्यों क्योंकि अब उसकी जो मैकेनिकल टीचर है उसको बिल्कुल पसंद नहीं है उसका स्कूल वो पसंद ही नहीं करती और वो ठीक हो गई है शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल डो ऑल टूगैदर वो क्या सोच रही थी कि काश ये टीचर कोई ले जाते हैं इतनी ख़राब हो जाती है मैकेनिकल टीचर कि इन्हीं कोई ये ले जाते हैं दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड बैंड आउट कंप्लीटली क्योंकि ऐसा एक बार टॉमी के साथ हुआ था टॉमी भी एक मैकेनिकल टीचर से पढ़ता था तो उसकी मैकेनिकल टीचर के साथ क्या हुआ था कि जो उसमें हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था ब्लैंक आउट कंप्लीटली एकदम ख़त्म हो गया था तो उसको सुधराने के लिए जो इंस्पेक्टर आते थे वो उसका पूरा वो मैकेनिकल टीचर ही ले गए थे कुछ समय के लिए तो वो मैगी भी सोचती थी शायद इसमें भी इतनी ज़्यादा ख़राबी हो गई हो कि इसको भी ये शायद ले जाए लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था वो तो एकदम सुधर गया था सो शी सेड टू टॉमी वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल तो अब क्या हमें स्टोरी से पता चल गया है कि जो मागी है उसे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि उसका स्कूल ऐसा मैकेनिकल टीचर है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं है तो इसलिए वो बोलती है कि वाई वड एनी वन राइट अबाउट स्कूल कि कोई स्कूल के बारे में कैसे लिखेगा टॉमी लुक डैट हर विथ वेरी सुपीरियर आइस जो टॉमी है वो उसको एक सुपीरियर आइस से उसकी तरफ देखता है और बोलता है बिकॉज इट्स नॉट अर काइंड ऑफ स्कूल टू वो ऐसा बोलता बोलता है कि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है ठीक है जिस स्कूल की यहाँ पर बात करी गई है ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है दिस इज अ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो वो क्या बोलता है ये पुराना वाला तरीके का स्कूल है जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स अगो होता था अभी तक हमें क्या पता चला है कि जो बुक है वो बुक जो है किस स्कूल के बारे में है और स्कूल भी किस कौन से बारे में जो बहुत पहले जो जैसे हमारा अभी जो स्कूल हुआ करता था उसके बारे में वो बुक है ही एडेड लॉफ्ट लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुल सेंचुरीज अगो वो क्या बोलता है लॉफ्टली यही वर्ड सुपीरियर वे में मतलब ऐसा सुपीरियर uh, वे में बोलता है कि ये जो स्कूल के बारे में बता रखा है जो सेंचुरी अगो जो स्कूल हुआ करते थे सेंचुरी अगो मतलब हंड्रेड इयर्स अगो ठीक है सौ साल पहले जो स्कूल हुआ करते थे उसके बारे में आपको बता रखा है सेंचुरी का मतलब होता है हंड्रेड इयर्स ठीक है तो हंड्रेड इयर्स अगो पहले अगो मतलब पहले जैसे स्कूल हुए कर, हुआ करते थे उसके बारे में आपको बता रखा है वो ऐसे बोलती है उसके बारे में ये बुक है टॉमी मैगी को बताता है मैगी वॉज हर्ट वेल आई डोंट नो वट ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो तो मैगी को थोड़ा हर्ट फील होता है वो बोलती है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि इतने साल पहले कैसे स्कूल हुआ करते थे शी रीड द बुक ओवर हिस् शोल्डर फॉर अ वाइल्ड देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर तो ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर ये टॉमी है और यहाँ पर ये मैगी है तो वो टॉमी के पास बैठ कर क्या करती है बुक्स को बुक को पढ़ती है टॉमी टॉमी के पास मतलब टॉमी जो पढ़ रहा था बुक्स को उसके पास में उसके शोल्डर की तरफ से वो देखकर बुक को देखती है तो वो थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रहती है फिर वो पूछती है एनी वे दे हैड अ टीचर वो बोलते हैं हाँ क्या टीचर थे उनको पढ़ाने के लिए तो फिर वो क्या आंसर करता है दे हैड अ टीचर इट वॉज अ मैन तो टॉमी क्या बोलता है हाँ टीचर हुआ करती थी और वो टीचर कौन थे मैन एक फिजिकल एक ह्यूमन होता था वो बच्चों को पढ़ाता था श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज एन अ रेगुलर टीचर इट वॉज अ मैन वो क्या बताता है कि हाँ टीचर तो हुआ करते थे जैसे हमारे मैकेनिकल टीचर है वैसे उनके भी टीचर हुआ करते थे लेकिन वो टीचर कैसे थे रेगुलर मैन थे रेगुलर मैन मतलब रेगुलर टीचर थे जो मैन होते हैं फिजिकल टीचर हुआ करते थे तो इनके लिए एकदम नई बात थी ठीक है इन्होंने हर वक्त मशीन से ही पढ़ा था कंप्यूटर से ही पढ़ा था तो ये बात इनके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज करने वाली थी अ मैन हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर तो माँगी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो पूछती है कि ऐसे कैसे हो सकता है एक मैन टीचर कैसे हो सकता है वेल यू जस्ट टोल द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आज देम क्वेश्चन तो वो क्या बोलता है तोमें uh, बोलता है कि हाँ उस वक्त मैन टीचर हुआ करते थे वो बॉयज़ एंड गर्ल्स को पढ़ाते थे उन्हें होमवर्क भी दिया करते थे और उन्हें क्वेश्चन भी पूछते थे अ मैन इज एंट स्मार्ट है नफ तो फिर माँगी बोलती है कि एक पर्सन कैसे इतना इंटेलिजेंट हो सकता है अब मशीन तो हो सकती है बाकी एक पर्सन कैसे इतना इंटेलिजेंट हो सकता है तो अब ये मैगी को पता ही नहीं था कि अभी जो कंप्यूटर मशीन्स ये सब भी ह्यूमन्स नहीं बनाए हैं तो ह्यूमंस तो इंटेलिजेंट है ही लेकिन मैगी को ये बात नहीं पता थी ठीक है लेकिन फिर टॉमी क्या उसको आंसर करता है श्योर ही इज कि एक जो पर्सन जो पढ़ाता था उस वक्त स्कूल में वो इंटेलिजेंट होता था माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर वो क्या बोलते हैं कि जो मेरे फादर है उन्हें उतना ही पता है जितना मेरे मैकेनिकल टीचर को पता है तो उसको इसे प्रूव करता है कंपेयर करके बताता है ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैच या वो क्या बोलता है कि मैं तुम्हें बैठ चाह मतलब कि मैं मैं तुम्हें एक इनफॉर्मल तरीका होता है कुछ भी चीज़ बोलने का ठीक है बैट यू मतलब मैं शर्त लगाता हूँ आई एम श्योर ठीक है आई एम श्योर कि मेरे पापा को मेरे मैकेनिकल टीचर जितना पता है मतलब एक इंडिविजुअल इतना इंटेलिजेंट हो सकता है वो माघी को बताना चाह रहा था माघी वॉज एन प्रिपेयर टू तो डिस्प्यूट दैट माघी डिसेग्री नहीं करने वाली थी उससे उस, उसके पास कोई पॉइंट नहीं था इसके खिलाफ बोलने के लिए शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी तो वो क्या बोलती है कि क्या मुझे कोई स्ट्रेंज मैन या मेरे घर पर ऐसे कोई अजीब इंसान एक नया कोई इंसान मेरे घर पर पढ़ाएगा मुझे बहुत अजीब लगेगा ये चीज़ ठीक है एक मैन मेरे घर में आएगा और मुझे पढ़ाएगा ये मुझे बहुत अजीब लगेगा क्योंकि उसने हमेशा से स्कूल में कभी वो गई नहीं है उसने हमेशा से घर में ही पढ़ाई करी है तो वो बोलती है कि अगर मशीन नहीं होगा मैकेनिकल टीचर नहीं होगी तो फिर मुझे एक मैन पढ़ाएगा और अगर वो मेरे घर पर मुझे कोई पढ़ाएगा तो मुझे थोड़ा अजीब लगेगा तो टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर तो टॉमी हंस हंस पड़ता है वो बहुत जो जोर से हंस पड़ता है यू डोंट नो मच मागी तो और क्या बोलता है तुम्हें तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है मागी द टीचर डिडेंट लीव इन द हाउस दे हैड स्पेशल बिल्डिंग इन ऑल द किड्स वाइंड वो क्या बोलता है कि टीचर जो है वो हाउस uh, में नहीं रहता वह हाउस में सबके घरों में नहीं जाता पढ़ाने के लिए वह किसी के हाउस में रहता नहीं है uh, एक बिल्डिंग होती है और उस बिल्डिंग में सब बच्चे जा और उस बिल्डिंग में टीचर होता है और फिर वहाँ पढ़ने के लिए सब बच्चे वहाँ पर जाते हैं जिसको स्कूल बोलते हैं ठीक है एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग तो फिर माँगी पूछिए कि तो क्या सब बच्चे एक ही जैसी चीज़ें पढ़ते थे तो फिर टॉमी uh, आंसर करता है श्योर इफ़ दे वर द सेम एज बोलता है हाँ दे वो सबकी सेम एज थी अगर सबकी सेम एज है तो सब एक जैसी चीज़ें ही पढ़ते हैं बट माइम मदर सेज़ अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ इच बॉय एंड गर्ल एट टीचर्स एंड दैट इच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली तो फिर यहाँ पर वो बताती है कि उसके मदर ने उसे बताया है कि हर टीचर जो है उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है हर बॉय एंड गर्ल के अकॉर्डिंग कि उस बच्चे को कितना समझ में आता है उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है उन्हें उनकी टीचिंग स्टाइल उन्हें उस तरीके से बच्चों को पढ़ाना पड़ता है जिस जिस तरीके से बच्चों को समझ में आए हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है जस्ट द सेम दे डिडेंट डू इट दैट वे देन इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक मागी ये क्वेश्चन उठाती है कि मेरी मम्मी ने मुझे बोला है कि टीचर को उस तरीके से डिफरेंटली uh, पढ़ाना पड़ता है तो जस्ट द सेम दे डिडेंट डू इट दैट वे देन तो तो टॉमी उसको आंसर करता है कि क्या अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा कि पहले क्या पढ़ाया जाता था कैसे पढ़ाया जाता था अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो तुम बुक मत पढ़ो ऐसे चले जाओ तो फिर मैगी क्या बोलती है आई डिडेंट से आई डिट लाइक इट तो मैगी क्या बोलती है मैंने ऐसे नहीं बोला कि मुझे पसंद नहीं आया मैगी सेड क्विकली शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज़ फ़नी स्कूल्स वो क्या करती वो ऐसा क्यों बोलती है क्योंकि वो जो फ़नी स्कूल्स है उसके लिए फ़नी होता है एक तरीके से वो उनके बारे में और पढ़ना चाहती थी दे वर्ट इवन हाफ़ फिनिश्ड वेन मागी मदर कॉल्ड मागी स्कूल वो पढ़ ही रही थी बुक्स वो उनका आधा पढ़ना कंप्लीट ही नहीं हुआ था उत्ते में उसकी मागी uh, की मदर की आवाज़ आती है और उसकी मागी uh, उसकी मदर क्या बोलती है मागी स्कूल मतलब स्कूल का टाइम हो गया है मागी लुक डप नॉट यट यट ममा मागी क्या बोलती है अरे अभी नहीं ठीक है नॉट येट मतलब अभी नहीं आ, ममा ऐसा बोलती है ना आओ से मिसिज जोस मिसिज जोस बोलती है कि नहीं अभी अभी आओ और पढ़ो इट्स पॉबली टाइम फॉर टॉमी टू और वो क्या बोलती है कि अब टॉमी का भी शायद पढ़ने का टाइम हो गया होगा और तुम आ जाओ और पढ़ना स्टार्ट करो मागी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल तो मागी टॉमी को बोलती है कि जब स्कूल मेरा ख़त्म हो जाएगा मतलब जब वो आ, आ, मैकेनिकल टीचर से पढ़ लेगी तो क्या फिर हम वापस ये बुक पढ़ सकते हैं तो फिर टॉमी क्या बोलता है मे शायद ठीक है टॉमी बोलता है हाँ शायद पढ़ लेंगे ही सेड नॉन चेंटली ही वॉक द वे विस्लिंग और फिर वो आ, बुक को अपने हाथ में दबा कर आ, क्या करता है विस्लिंग विस्लिंग करते हुए मतलब सिटी पर जाते हुए निकल जाता है मैगी वेंट इनटू द स्कूल रूम मैगी क्या मैगी uh, क्या होती है स्कूल रूम में जाती है जहाँ पर वो पढ़ती थी रोज इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम उसका जो स्कूल रूम था वो उसके बेडरूम के पास ही था ठीक है सोचो इमेजिन करो कि ऐसा आपका स्कूल है और स्कूल ही आपके बेडरूम के पास ही है ठीक है कितना बोरिंग हो जाएगा तो वैसे ही जो मागी का स्कूल था उसके बेडरूम के पास ही था एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज़ ऑन एंड वेटिंग फॉर हर और मैकेनिकल टीचर जो थी वो ऑन हो गई थी ठीक है मैकेनिकल टीचर जो थी वो रोज़ उस समय पर ऑन हो जाती थी और मागी को उस वक्त पढ़ना पड़ता था तो वॉज़ ऑन और वेटिंग फॉर हर और वो वेट कर रही थी माघी का आने का इट वाज ऑलवेज़ ऑन दैट एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे वो रोज़ उस समय चालू हो जाती थी और मैगी को पढ़ना पड़ता था एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे सैटरडे संडे वो नहीं पढ़ती थी उसकी छुट्टी होती थी और उसके अलावा रोज़ इस समय पर जिस समय पर अभी पढ़ रही है मैगी उस समय ये जो मशीन होती थी वो ऑन हो जाती थी इस तरीके का दिख रहा है मैगी यहाँ पर मैगी यहाँ पर पढ़ती थी द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन मैकेनिकल टीचर जो है उसकी स्क्रीन पर दिख रहे थे बिकॉज हर मदर सेट लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स क्यों एक ही समय पर वो मशीन चालू हो जाती थी मशीन थी वो तो कभी भी चालू हो सकती थी ठीक है स्कूल हमारे नॉर्मली होते हैं जो टाइम होता है तभी जाना पड़ता है लेकिन जो मशीन होती है वो कभी भी चालू हो सकती थी लेकिन फिर भी वो मशीन हर वक्त एक समय पर क्यों चालू हो जाती थी क्योंकि उसकी मदर ऐसा सोचती थी माँ की जो मदर थी मिसेज जोस जो वो ऐसा सोचती थी कि सब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको रोज जो पढ़ाई जो करते हैं वो एक समय पर ही करना चाहिए अच्छे से याद होता है द स्क्रीन वॉज अप एंड इट सेज अर्थमेटिक एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन जो स्क्रीन है वो फ्लैश होती है मतलब स्टार्ट uh, हो जाती है और उसमें क्या लिखा आता है कि टुडे वो uh, आज क्या पढ़ाती है अर्थमेटिक uh, लेसन पढ़ाती है मैथ्स उन्हें पढ़ाती है और एडिशनल एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे ऐड कर सकते हैं उसके बारे में आज वो टॉपिक था उनका पढ़ने का और क्या बोलती है वो मशीन स्क्रीन वो स्क्रीन पर और क्या आता है प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट और क्या बोलती है uh, मशीन में एक वो आता है कि uh, जो यस्टरडे का होमवर्क है मतलब आज से पहले का जो होमवर्क है uh, कल का होमवर्क मतलब जो बीता हुआ कल का होमवर्क जो तुमने किया है वो इंसर्ट करो इंसर्ट करना मतलब डालना प्रॉपर uh, स्लॉट में जो जगह दे रखी है वहाँ पर अपना होमवर्क डालो मागी डिड सो विथ अ सा विथ अ सा मागी यही करती है साए के साथ करती है साए का मतलब होता है कि मतलब उसे बहुत बुरा लगता है ठीक है उसे अच्छा नहीं लगता इरिटेटेड होके वो करती है शी वॉज थिंकिंग अबाउट दी ओल्ड स्कूल दे हैड वेन हर ग्रैंड फादर ग्रैंड फादर वॉज ए लिटिल बॉय वो डालते हुए क्या सोचती है कि जो उसके ग्रैंड फादर के ग्रैंड फादर जैसे स्कूल में जाते थे जैसे हम अभी जैसे स्कूल में जाते हैं ठीक है थीके? उस बारे में सोचती है लाफिंग एंड शाउटिंग इन अ स्कूल यार्ड सिटिंग टूगैदर इन अ क्लास किस बारे में सोचती है कि कैसे बच्चे साथ में स्कूल जाते हैं पूरे जितने भी नेबर हुट के सब बच्चे साथ में स्कूल जाते हैं चिल्लाते हुए हंसते हुए स्कूल या स्कूल यार्ड में मस्ती करते हैं क्लासरूम में वो साथ में बैठते हैं ठीक है अभी तो क्या हो रहा है उसको अकेले बैठ के वो क्लास अटेंड कर रही है लेकिन जब स्कूल में क्या होता होगा पुराने वो ऐसा सोचती है कि सब बच्चे साथ में आ, क्लास में बैठे हैं गोइंग होम टुगेदर सब साथ में घर भी जा रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे they learned the same things so they could help one another with the homework and talked about it और वो क्या बोलती है सब बच्चे एक ही जैसी चीज़ें सीखते थे ठीक है हर क्लास के बच्चे जैसे जैसे सीखते थे तो शायद वो पहले एक डिस्कस भी कर सकते होंगे ठीक है माघी तो यहाँ अकेली थी अकेले ही पढ़ रही थी लेकिन वो क्या सोचती थी स्कूल कितना अच्छा होता है सब बच्चे साथ में लाफ लाफिंग हंसते हैं खेलते हैं मस्ती करते हैं साथ में अगर वो एक ही चीज़ें पढ़ते थे तो डिस्कस भी कर सकते थे होमवर्क क्या है क्या पढ़ाया है सब डिस्कस करके भी वो कर सकते थे तो वो उसे माघी को बहुत बुरा लगता है एंड द टीचर्स वर पीपल और वो क्या सोचती है कि उस वक्त टीचर भी पीपल हुआ करते थे द मैकेनिकल टीचर वो फिर मैकेनिकल टीचर वापस उस पढ़ाना स्टार्ट कर देती है मैकेनिकल टीचर वो फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन वेन वी एड फ्रैक्शन हाफ एंड डैश डैश तो मैकेनिकल टीचर से पढ़ाना स्टार्ट करती है मागी वोज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट ऑन दी ओल्ड डेज और लेकिन uh, मैकेनिकल टीचर्स तो उसको पढ़ाती जाती है लेकिन माँगी के दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती है कि कैसे जो पुराने बच्चे होते थे वो कैसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते होंगे पुराने किड्स जो होते थे वो कितने अच्छा दिन होते होंगे वो ओल्ड डेज़ जो थे पुराने समय जो थे वो कितना अच्छा था शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड और किस बारे में सोची थी कि वो बच्चे कितने मजा करते होंगे तो यही दफन दे हैड कौन मजा करता है जो पुराने बच्चे हैं जो अभी अभी जो बच्चे हैं वो कितना मजा कर रहे हैं उसके बारे में वो सोचती है तो ये लेसन अभी जो हमने समय में पढ़ा है जैसे अभी कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है जिसमें सब वर्चुअल क्लासेस लग रही हैं तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है इस टाइम पर पढ़ने के लिए हम देख सकते हैं कि कितनी चीज़ें हम मिस करते हैं जो भी फ़िज़िकल वर्चुअल क्लासेस होती हैं वो फिज़िकल क्लासेस के बराबर नहीं होती हैं हम बहुत सारी चीज़ें मिस आउट करते हैं तो यही चीज़ आपको दे रखी है कि एक मशीन जो है वो कभी भी एक टीचर की पोजिशन नहीं ले सकती एक रूम जो है घर में वो एक स्कूल का एक इन्वॉर्मेंट फ्रेंड्स जो होते हैं जो मस्ती हम फ्रेंड्स के साथ करते हैं रोज़ स्कूल जो जाते हैं ये सब कंपेयर ही नहीं किया जा सकता अभी के टाइम अभी के टाइम पे और अगर फ्यूचर में अगर ऐसा हो कि स्कूल्स और टीचर्स ना हो तो उसको हम कंपेयर ही नहीं कर सकते तो यही आपका एक चैप्टर था इसके बाद हम जो बोएम पढ़ेंगे उसका नाम है द रोड नॉट टेकन